मैं धनराज कुमार यूथ एजेंडा से और यहाँ मनिकोली पंचायत में जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो पंसला चौक पे आते हैं, सिंहवाड़ा ब्लॉक जिला दरभंगा और बिहार राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो कल जो 14/11/2019 को जो घटना हुई है कल एक ग्राहक के साथ, और ग्राहक के साथ साथ पत्रकार भी थे, तो इस तरह का जो व्यवहार हुआ है इसके बारे में आप बैकग्राउंड बताएंगे इस बैंक के मैनेजर के बारे में जो किस तरह से यहाँ संचालित करते हैं बैंक। ये तो अपने ऊपर करते हैं, अपने तरह से संचालित करते हैं, या अपने जो मर्जी हुआ उस तरीका से करते हैं। इसके बारे में तो पहले भी लोगों की कस्टमर जो है वो पहले भी इसके बारे में बताते थे और अभी भी बताते हैं कि ये मैनेजर मतलब इसका न बोलने का तरीका है, न इसको कोई चीज का तरीका है, मतलब कोई तरीका इसके पास है ही नहीं, ऑलरेडी गलत तरीका से ये बात करते हैं। कुछ दिन पहले, 1 साल पहले सतेंद्र जी के पास भी ऐसा ही मुकदमा हुआ था, वो भी मुकदमा किए थे। सतेंद्र ठाकुर के साथ भी अभद्र व्यवहार किया था, जबकि उसे 4,000 रुपया बताया था, सतेंद्र ठाकुर ने घूस मांगा था। तो हमने इनके खिलाफ वित्त मंत्री को एप्लीकेशन दिया, अरुण जेटली जी को भी दिलवाए, लेकिन वहां से ये फोन से भी संपर्क किए, लेकिन आजकल क्या है अधिकारी लोग, ये लोग मतलब इसकी सरकार जो आई है मोदी के, तो कॉन्टेक्ट में एक दूसरे राज्य के जो मंत्रालय है वो किसी दूसरे के अटैच में रहती है, तो कार्रवाई तो हो नहीं पाई। SLBC जो बिहार बैंकर कमेटी है वो तो कमेटी कार्रवाई कर नहीं पाई सही से, और कार्रवाई वो चिट्ठी भेज के छोड़ दिया इस तरीका से, और इस तरीका से बहुत कुछ हुआ। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो है लगभग कितना दिन से आप हाँ सुन हाँ रहे हैं कि इस तरह के धांधली बैंक में, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो मैनकोली पंचायत में आते हैं, कब से आपने सुना है इस तरह की समस्या? 1 साल से करीब सुन रहे हैं इसके बारे में, और क्या 1 साल से सुन रहे हैं इसके बारे में कि इस तरीका से हो रहा है। वही सतेंद्र ठाकुर जानकारी दिए थे इस तरीका के हुआ है बैंक में, और ऐसे ऐसे गाली गलौज भी किया है, और 4,000 रुपया घूस मांगा है। घूस मांगा है तो इसके वजह से हमने घूस का प्रतिकार किया, तो अभद्र व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार करके बैंकिंग से निकाला गया। बुरी स्थिति बताया था जब अरुण जेटली को तो कंप्लेन दिया, उस पर नहीं कुछ हुआ, तो हमने डायरेक्टली कहे लाइए प्रधानमंत्री को भेजते हैं। जब प्रधानमंत्री को एप्लीकेशन भेजा गया तब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉर्मेट किया RM को, RM ने इसको काफी बेइज्जत भी किया था, सुने थे RM ने सतेंद्र ठाकुर के फोन से जानकारी दी कि काफी हमने इसको बेइज्जत भी किए, बहुत गाली भी दिए, बहुत डांटे भी, अब फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं लिया, अब बताइए। और उसके बाद में बैंक मैनेजर एक चिट्ठी लिख करके सतेंद्र ठाकुर को रजिस्ट्री के माध्यम से फॉरवर्ड किए कि हमने जो आप जो आरोप लगा रहे हो सरासर झूठा है, सरासर गलत है, ऐसा अभद्र व्यवहार कुछ नहीं किए, और आपको बैंक में स्वागत है, और आपका सब्सिडी 10,000 रुपया आया है, सारा मतलब लेटर पैड पर लिख करके दिया इस तरीका से, और सतेंद्र ठाकुर को कुछ कहे नहीं। बाद में इसके बारे में पदाधिकारी भी इसके घर पर आए, पदाधिकारी इसको बचाया था, पदाधिकारी कहा नौकरी का सवाल है, क्यों इसको सस्पेंड कीजिएगा, क्यों इसको गलत कीजिएगा। और ये नहीं, ये सुनने में आया है, लोग ही बताते हैं, यहाँ के बारे में तो सब हम नहीं बता सकते, लोगे बताते हैं कि इंदिरा आवास के जो बारे जो आता है, तो प्रधानमंत्री आवास हो गया, इंदिरा आवास तो हट गया है, उसका नाम बढ़ा करके प्रधानमंत्री आवास योजना आ गया है, तो उसमें 3-3, 4-4 किस्त मिलता है, तो कब पैसा मिलेगा, कब क्या मिलेगा, इसके बारे में हम नहीं कहते हैं यहाँ के लोग। अच्छा ये बताइए, ये जो पैसा जो लेता है वो डायरेक्ट मैनेजर लेता है कि कौन लेता है? देखिए यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ जब प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा मिलता है 1 किस्त, तो यहाँ मतलब अपने आप लोग पहुँच जाते हैं, मतलब दलाल पहुँच जाते हैं, और दलाल के थ्रू कलेक्शन होता है, उनके बारे में सुने? यानी कौन मैनेजर दलाल रखते होंगे? अब वो तो दलाल को कैसे पता होता है, वो तो स्वयं दलाल जाने, और स्वयं ये जाने कि CCTV कैद है, वहाँ CCTV है, हम तो लोग जो कहेंगे वही ना, हमें बैंक से तो कोई रिश्ता नहीं है, बैंक तो एक अलग चीज है। तो इसका मतलब है CCTV में तो 6 महीना का रहता है, तो 6 महीना का डिटेल निकाला जाए बैंक से जब तक ड्यूटी आवर है, आपका यही कहना हुआ? बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो पत्रकार लोग निकालेंगे ना, मीडिया निकालेंगे, मीडिया इसको उछालेंगे, हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो हम तो इसका बयान दे सकते हैं, इनके बारे में कह सकते हैं, अगर ये गलत किया है तो इनके सजा मिलना चाहिए, अगर सही है तो। हम जैसे कल उधर से जा रहे थे, तो अभद्र व्यवहार देखे आप, मतलब अजीब तरीका से रोड पर आवाज सुन रहा था, लोग सुन रहा था, तो घटिया है, चलिए। लेकिन आपके साथ कल क्या हुआ था वो बताइए, कल आपके साथ क्या हुआ है? तो जो भी हुआ है मैंने तो न्यूज में दिया ही है कि पत्रकार के साथ साथ हम ग्राहक भी है इस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के, लेकिन मेरे साथ भी अभद्र व्यवहार किया, जो मैंने अगला न्यूज में मैंने बताया है कि
हाथ पकड़ के केबिन से बाहर निकाला और उसके बाद लॉडली आवाज में तरह तरह का रे रे करके बोला। और मैंने बोला भी 6 महीने से जो है हमको सुनने में आया है कि थम जो आधार से लिंकअप होता है तो वो भी जो है बंद है, तो उसके बारे में बोला अरे तुमको करवाना है अभी लाओ हम चल के कर देते हैं, चलो अभी हाथ खींच के ले जा रहा था। उसको बोले कि पत्रकार को इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, जो आप जाइए लंच का टाइम हो गया आप लंच करने के लिए जाइए, फिर भी जो है बोलते रह गया हम चुप। लेकिन ऐसा हुआ तो इस तरह से अभद्र व्यवहार किया, हमें जानकारी नहीं था मैनेजर के बारे में कि यहाँ करके अभद्र व्यवहार करने वाले मैनेजर को यहाँ जो जोन के मैनेजर हैं जो जोन के हेड है बैंक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के इस तरह का सिलेक्शन करके भेजा। हम तो अनजान थे, बहुत दिन के बाद मैं वहाँ गया था। लेकिन तो, ऐसा हुआ क्यों भाई? आपके साथ आप पत्रकार अभी बताते हैं, पत्रकार भी है साथ में सब कुछ करते हैं, लेकिन आपके साथ अभद्र व्यवहार क्यों किया, क्या कारण था, किस लिए किया? तो मैं भी तो नहीं जान पाया कि भाई क्यों किया इस तरह का। हम तो जानकारी के लिए गए थे, जो प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा जो है ये जो ग्राम उद्योग खादी ग्राम उद्योग के अंतर्गत जो है स्वरोजगार के लिए योजना है, उसके जानकारी के लिए कि युवा लोग को जो है रोजगार मिले, जानकारी के लिए सुनते थे कि कोई किसी को लोन फिनेंस नहीं कर रहा सरकार का जो भी स्कीम है, तो जानने के लिए गए थे। तो बस वो एकदम बिगड़ पड़े कि हम नहीं जानते, हम नहीं पढ़ेंगे, जो सरकार का स्कीम है उल्टा सीधा बोलने लगा, जो CCTV में कैद है, कल 14/11/2019 है, तो जो भी अधिकारी हैं बैंक के हेड मैनेजर हैं जो भी हैं वो उनसे अनुरोध है कि जो है कल का डेट का जो है वो निकलवाए ही, और प्लस में जो है 6 महीने का डिटेल भी कि कौन कौन यहाँ दलाल आते हैं और तरह तरह की जो है ये समस्या उत्पन्न करते हैं और किसी किसी से जो है पैसा लेकर करता है, तो इसका डिटेल तो CCTV में रहता है। तो जो अधिकारी है मैनेजर जो है जो उनका पूरे भारत का, तो उनसे अनुरोध है कि उसका डिटेल निकाले। और मैं अभी श्री राम कुमार जी यादव जी जो यहाँ के हैं मैनकोली पंचायत के, तो इन्होंने भी सटीक जवाब दिया, मैं इतने पे विराम दूंगा और नेक्स्ट आगा जो है जो भी एडवाइजर हैं जो भी सलाहकार हैं और जो भी जो है गवाही दे रहे हैं उसको मैं प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।